everyone welcome to rajnootra IAS academy my name is vivek sharma and we are dealing with places that are in news today we have an article in the hindu newspaper front page aas article which talks about 15 projects which are aiming to decongest delhi road in this particular piece of news we have given some important map work which we have to look upon so let us see the map work first

baruch and surat so these are the city which are given north to south and you have to learn the name of the cities and north to south order or south to north order or east to west order because upsc may this kind of question has been asked and can be asked in future also so let's see the kind of question which you can get in your exam so the question says arrange the following cities साउथ टू नॉर्थ द की वर्ड इज यू हैव टू अरेंज क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी है यू हैव टू अरेज साउथ टू नॉर्थ दोस्ट स्टेट सिटी विल बी ऑन दॉप एंड दॉर्द मोस्ट सिटी विल बी एट दॉटम सो वी विल बी हैविंग सिटीज लाइक भोपाल अजमेर बारूच एंड उदयपुर दिज फोर सिटीज आर गिवन एंड यू हैव टू अरेन्ज देम साउथ टू नॉर्थ यू हैव थर्टी सेकेंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं आप देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है तो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ये जनरली आपके जो क्लासेस में मैप होते हैं उनमें कवर नहीं होते हैं ये ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम इज इज कवर्ड फ्रॉम करंट अफेयर सो दैट्स इट वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन सो सी द आंसर इफ वी टॉक अबाउट दिस सिटीज यू माइट बी नोइंग दैट बारूच इज द सदर्न मोस्ट सबसे साउथ में कौन है Baruch. So let's go to the option first. We can eliminate this and this because third पहले number पे आना चाहिए. तो we can have these two as an answer. तो हमारे पास 50-50 stage पे हम आ चुके हैं. अब northern हमारा clear हो चुका है इन option से because Ajmer जो है two, वो यहाँ पर भी two last है और यहाँ पर भी northernmost state भी आपको clear हो चुका है. Now you have to just judge between Bhopal and Udaipur. साउथ साइड से अगर हम आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई इफ वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स डेली कौन सी सिटी पहले आएगी देन यू विल बी नोइंग दैट इट विल बी भोपाल देन उदयपुर सो दिस विल बी आंसर सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज हाउ यूपीएससी आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी कह सकती है लाइक इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू डेली विच ऑफ सिटी विल कम फर्स्ट इनमें से आपको अरेंज करनी आ सकती है तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कवर दिस क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर लेट्स सी द मैप वर्क ऑफ एशिया वी आर डूइंग एशिया फॉर अ क्वाइट वाइल्ड एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो अबाउट एशिया वी विल बी डीलिंग विद सम इंपॉर्टेंट वॉल्केनिकंड्स लोकेटेड इन एशिया इन अ रिमेनिंग वीडियो बट दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर द्लेट्यू एंड प्लेन्स लोकेटेड इन योर

Which is located बिटवीन योर Caspian सी एंड अराल सी बिटवीन योर Caspian सी एंड अराल सी देन वी टॉक अबाउट ये हमने टकला मकान यहां पर हमने डेजर्ट पढ़ा था उसके नॉर्थ में तिरिम बेसिन है जो हमने टकला मकान में सुना भी था दिस इज योर तिरिम बेसिन और यहाँ से रिवर तिरिम तारिम फ्लो करती है नॉर्थ इॉक अबाउट दी चाइना यहां पर हमने अराउंड गोभीट पढ़ा था गोभी डेजर्ट के वेस्ट साइड यानी कि गोभी डेजर्ट के वेस्ट साइड वी हैव प्लेटी ऑफ मंगोलिया एंड ईस्ट साइड पे आपको क्या मिल जाता है मंचूरियन प्लेन्स क्या मिल जाता है मंचूरियन प्लेन्स नाउ अगर हम बात करें यहां पर तो इस एरिया को हम कह देते हैं नॉर्थ चाइना प्लेन्स इस एरिया को हम क्या कह देते हैं नॉर्थ चाइना प्लेन्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रिमेन रिमेनिंग इन योर एशिया मैप लेट्स टॉक अबाउट दिस इज योर इंडोनेशिया इंडोनेशियन आइलैंड्स, सुमात्रा है यहां पे, यहां पर जावा है इंपॉर्टेंट है दोनों आपको जानने चाहिए देन, दिस इज योर मलेशिया मलेशिया और मलेशिया के जस्ट यहां पर नॉर्थ में अगर आप देखोगे ये है ब्रुनई हेयर वी हैव फिलिपींस हेयर वी हैव फिलिपींस तो दीज आर थिंग्स ये आपके सुलवेसिया आइलैंड्स हैं दीज आर द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स लोकेटेड इन योर साउथ ईस्ट एशिया जो चीज बची है दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क सो लेट सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रॉम योर साउथ मतलब एशिया पार्ट एंड हम इंडिया को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्ट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली करेक्टली मैच अब यांगचेर रिवर साउथ चाइना सी वांग हे रिवर बोहाई सी सलवीन सलवीन रिवर अंडेमान सी कैस्पियन सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्टली इनमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं हो रखा है थर्टी सेकेंड है यू कैन गिव योर आंसर द ऑप्शन आर दिस इज वन टू थ्री फोर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इज ए बी, सी डी सो यू कैन राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स आपका क्या आंसर है दिस इज वन टू थ्री फोर सो लेट्स थिंग्स विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम हि अगर आपको पता हो कि या रिवर इज ड्रेनिंग इनटू कहां पर ड्रेन करती है क्या साउथ चाइना सी में करती है कि ईस्ट चाइना सी में करती है साउथ चाइना सी में करती है या ईस्ट चाइना सी में अगर आपको यह चीज क्लियर है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस तो यह जो ऑप्शन है आपका पहला गलत हो जाता है सो so, वन जहां जहां हमारा इंक्लूड होता है दैट इज यहां पर यहां पर यहां पर तो ऑप्शन हमारे पास ही आ गए अब इसमें सी ये सेकंड स्टेटमेंट इलिमिनेट हो चुकी है हमारी नाउ टॉक अबाउट वे रिवर ये है बोहाई सी सो ये स्टेटमेंट तो ठीक है तो जहां पर टू आ रहा है ऑप्शन में उसे हम इलेमिनेट कर देते हैं तो इसे हमने इलेमिनेट कर दिया सो वी आर लेफ्ट विद बी एंड सी सॉरी सी एंड डी ऑप्शन सो लेट सी दिस सल रिवर अंडेमान सी अगर आपको याद हो मैंने दो रिवर्स बताई थी एक मैं अभी आपको नाम बता रहा हूं सलवीन रिवर अंडेमान सी में ड्रेन करती है दूसरी रिवर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंडेमान सी में ड्रेन करने वाली दूसरी रिवर कौन सी है ओके okay? से आती है आई से नाम स्टार्ट होता है यू हैव टू रिमेंबर दैट तो ये भी ऑप्शन ठीक है अगर ये ऑप्शन ठीक है तो ये भी हमारा इलेमिनेट हो जाता है अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा देन द ऑप्शन लेफ्ट इज डी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है डी ऑप्शन अमू दरिया सी में ड्रेन नहीं होता कहां पर होता है अराल सी में सो लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, वी हैव करेक्टली मैच्ड ऑप्शन सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोभी वी हैव एप्शन में 1 एंड 3 बी ऑप्शन में वी हैवन ओनली सी ऑप्शन वी हैव टू ओनली एंड आपका डी ऑप्शन टू एंड थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज योअर करेक्ट आंसर सो लेट सी दिस 30 सेकेंड है आपके पास गोभी डेजर्ट आपको याद है हमने चाइना में पढ़ा था चाइना में अभी भी हमने बात की थी चाइना के आसपास और यहां पर आपको गोभी डेजर्ट मिलता है किसके पास चाइना तो ठीक है क्या वो रशिया में है कहां पर है मंगोलिया तो रशिया वाला पार्ट गलत हो गया करेक्टली मैच कहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो ये ऑप्शन चला गया ये ऑप्शन चला गया वी आर लेफ्ट विद टू एंड टू एंड थ्री अब कराकुम आपको ना भी पता हो दास्ताई काविर और दास्ताई लुत कौन सी कंट्री में लोकेटेड है दोनों दो आपको एक था दास्ताई काविर और दास्ताई लुत दोनों ही मैंने आपको बताया था एक कंट्री में लोकेटेड है डेट इज कहां पर ईरान तो अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया तो आंसर क्या बना सी ऑप्शन क्या बना सी ओनली तो यहां पर टू ओनली आ गया हमारा आंसर आंसर और सेकंड का का क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन सी अगर हम बात करें मैंने आपको तीन डेजर्ट पढ़ाए थे अरेबियन पेनिस में एक सीरियन डेजर्ट भी है वहां पर टूवर्ड्स नॉर्थ विच यू हैव टू फोकस एंड यहां पर आपको यह बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से तीन डेजर्ट्स मैंने आपको बताए थे कहा पर सऊदी अरेबिया में दोज हु आंसर दिस विल बी अमेजिंग टू नो दैट कि आपके मैप वर्क अब ठीक ट्रैक पे हैं जो नहीं करते दे शुड फोकस ऑन दी मैप वर्क अगेन वो उस वीडियो को फिर से जाके देखें नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मेन सेगमेंट वी हैव टू क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर रिसेंटली एक मणिपुर का आर्टिकल 14 या 16 अक्टूबर uh, मतलब सितंबर को पब्लिश हुआ था द हिंदू में यू हैव टू फोकस ऑन दैट आर्टिकल क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट फेडरलिज्म द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीट्रिकल फेडरलिज्म कहीं ना कहीं इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज ठीक है ना सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखने हैं यू कैन राइट पॉजिटिव ऑल्सो सो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये हो गया पहला क्वेश्चन इसमें आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देनी है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की बॉडी पार्ट में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने हैं एंड आपने जो इसका कंक्लूजन होगा उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना है वेदर आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री यू डोंट नॉट हैव टू राइट कि आई एग्री विद दिस और डिसएग्री विद दिस ओके यू हैव टू गिव कंक्रीट एविडेंस नाउ द लास्ट क्वेश्चन लेटली इंडियन इकोनमी इज इनकाउंटरिंग higher inflation due to variety of reasons you have to mention all the reasons due to which Indian economy is facing crunches of inflation or you can say encountering higher inflation first introduction may you can give the definition of inflation then you start with the body part giving the reasons of inflation in the economy right now and is last may you have to conclusion may you have to deal with the क्या सजेशन देते हो जिससे आपका ये इकोनॉमी रिकवर कर सके इन्फ्लेशन से या कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को एंड माइंड इट आपने ऐसी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है कि जो लाइक बुक टाइप डेफिनेशन लिखनी है इन विच यू कैन गेट अ बेटर मार्क्स सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड आज की वीडियो में इतना ही है कल हम नई वीडियो के साथ फिर से आएंगे और उसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एफ्रीका नाउ If we do not have any important article related to your ge geographical location, then we will be covering Africa now. So that's it for today. I hope you are enjoying this se uh, session. Thank you very much for your support.